मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजना बीआरपी मैथमेटिक्स आपका ई लर्निंग चैनल भिवानी में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज कर रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 कर चुके हैं। आज हम 6.3 शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, कि त्रिभुजों को आप कब बोलेंगे कि वो समरूप हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कसौटी है। वो है 3 कसौटी, 3 है जो हमें देखनी होगी। अगर उनमें से कोई भी कसौटी फॉलो हो रही है तो वो त्रिभुज आपस में कैसी होंगी, समरूप होंगी। पहली मैंने क्या लिखी हुई है, भुजा भुजा भुजा, यहाँ है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, इसको साइड 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 कसौटी भी बोल देते हैं, भुजा भुजा भुजा। दूसरी है कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल एंगल। तीसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड। समझ आ गया होगा ये एस 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 क्या है, ए ए ए क्या है, एस ए एस क्या है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, भुजा को हम साइड से लिखते हैं तो इसलिए 3 ऐसे लिख दिए, साइड साइड साइड। एंड कोण को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल एंगल एंगल। यहाँ भुजा कोण भुजा है इसलिए साइड एंगल साइड। अब हम एक एक कसौटी को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। पहली क्या है, भुजा भुजा भुजा, कि कब हम बोलेंगे कि दो त्रिभुज हैं वो साइड 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 कसौटी से समरूप हैं। मान लिया हमने दो त्रिभुज ले ली, कोई भी दो त्रिभुज लेके चल पड़ो, ये मैंने ए बी सी और एक त्रिभुज और ले ली हमने डी ई F. तो हम कब बोलेंगे कि ए बी सी जो है वो समरूप है डी ई एफ के, कौन सी कसौटी से, साइड 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 से। मान लिया मैंने ये ले ली, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लिया हमने ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? अगर है तो ये किस कसौटी से है, ये आपको देखना होता है आपके क्वेश्चन। यहां अगर आप देखोगे, मैंने देखा ए बी, बटे में अगर मैं डी ई करूं तो क्या आ रहा है, 2/4, क्या आया, 1/2। अगर बी सी बटे में ई एफ करूं, बीसी बटे में ई एफ क्या है, 3/6, क्या आया, 1/2। ऐसे ही अगर मैं क्या है ए सी बटे में बी एफ करूं तो क्या आ रहा है, 4/8, यानी कि 1/2 आया यहां से भी। इसका मतलब क्या है, ए बी बटे में डी ई बराबर है किसके, एसी बटे में डी एफ बराबर है किसके, बीसी बटे में ई एफ के, और ये तीनों किसके बराबर है, 1/2 के। कहने का मतलब क्या है, भुजाएं जो है वो क्या है, समान अनुपात में है। हमने समरूपता का जो नियम पढ़ा था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, कि समरूप हम कब बोलेंगे किसी भी आकृति को, जब क्या है भुजाएं आपस में क्या हो, समान अनुपात में हो, या फिर क्या हो, कोण उसके कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। अब क्या है, हमने देखा कि भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, तो इस कसौटी के अकॉर्डिंग भुजा भुजा भुजा, यानी कि अगर भुजाएं क्या है समान अनुपात में है, तब आपको और कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर भुजाएं समान अनुपात में है तो इसके कोण जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस कसौटी के अकॉर्डिंग
होंगे। अगर साइड 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 वाली प्रॉपर्टी है, कसौटी है, तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। समझ आया है? जो भुजा 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 कसौटी है, अगर भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, तो ये क्या है, भुजा 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 से दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। इसका मतलब जब भी साइड 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 कसौटी हमारी फॉलो होती है तो वहां हमें एंगल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये कसौटी कहती ही क्या है कि अगर इस कसौटी के अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें एंगल्स जो है अगर वो आपको मेजर करके देखोगे, माप के देखोगे, तो आपस में कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम कैसे लिखेंगे, हमने देखा कि भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, तो त्रिभुज जो है ए बी सी समरूपता का मैंने साइन बताया था, ये किसके समरूप होगी, त्रिभुज डी ई एफ के। समझ आया? किस कसौटी से, भुजा 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 यानी कि साइड 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 वाली कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अगर मैं ये लिख दूं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज ई डी एफ की, तो क्या ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा। जो भुजा जिसके समान अनुपात में है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ए बी जो भुजा थी ये किसके समान अनुपात में है, डी ई की, तो ए के साथ क्या आएगा, ए जहां पे है वहां पे क्या आएगा, डी पॉइंट आएगा। और बी सी जो थी वो ई एफ के, तो जहां बी से स्टार्टिंग हो रही है वहां पे क्या आएगा, ई। और सी जो सी ए थी वो किसके है, डी एफ के, तो सी जहां पे आएगा वहां पे क्या आएगा, एफ आएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी पहली कसौटी, भुजा भुजा भुजा। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, भुजा 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 कसौटी में क्या है, अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में है त्रिभुज की, तो हमें कोणों को मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर करके भी देखोगे तो वो अपने आप ही बराबर मिलेंगे। तो भुजा 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 कसौटी यही कहती है कि अगर भुजाएं समान अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो ये थी हमारी पहली कसौटी, भुजा भुजा भुजा। अब हम चलते हैं अपनी अगली कसौटी की ओर, सेकंड। क्या है सेकंड, कौन कौन कौन, सेकंड है कौन कौन कौन, यानी कि एंगल एंगल एंगल। सेकंड कसौटी है हमारी ये, यानी कि अगर किसी त्रिभुज किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हैं तो वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। अगर दो त्रिभुज दे रखी हैं, उनके कोण आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो कैसी होंगी, मान लो ये 60 का है, ये 80 का है और ये 40 डिग्री का, और एक और त्रिभुज है डी ई एफ, इसके कोण भी कैसे हैं, 60, 80 और 40 डिग्री। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हमने देखा ए जो कोण है, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। और कोण सी इसके बराबर है, कोण एफ के, कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो जो ये कोण है, इस ए बी सी त्रिभुज के कोण है, वो डी ई एफ के कोणों के बराबर है। तो ये जो कसौटी है ये यही कहती है कि अगर दो त्रिभुजों के आपस में संगत कोण बराबर
नहीं है, हमें ये बस क्या देखा हमने कि तीनों कोण इसके क्या है बराबर है, तो क्या होगी त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगी। यानी कोण 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 जो कसौटी है वो यही कहती है कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो यहां से हमने देखा ए डी के बराबर है बी ई के, तो समरूप कैसे होंगी, अगर त्रिभुज ए बी सी लिख रही हूं तो ये किसके समरूप होगी, त्रिभुज ए किसके बराबर था बी के, तो जहां ए है वहां क्या रहेगा बी आएगा, बी किसके बराबर है ई के, तो जहां बी है वहां क्या आएगा ई आएगा, और सी किसके बराबर है एफ के, तो जहां सी लिखा है वहां क्या आएगा एफ, यानी कि ए बी सी किसके समरूप होगी डी ई एफ के। मान लिया मैंने इसको लिख दिया ये 40 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, अब क्या ए बी सी सिमिलर होगी यानी समरूप होगी डी ई एफ के, अब क्या होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो जो कोण ए है एंगल ए है वो किसके बराबर है 60 डिग्री का ए था, यहां हमने देखा कि एफ है 60 डिग्री का, तो कोण ए किसके बराबर है कोण एफ के कितने डिग्री का 60 डिग्री का, कोण बी है 80 डिग्री का, इसमें कोण ई है यानी कोण ई है 80 डिग्री का, सी जो है 40 डिग्री का है, इसमें कौन सा एंगल है 40 का डी है, तो सी किसके बराबर है कोण डी के ये 40 डिग्री। तो अब आप देखो कि त्रिभुज ए बी सी किस त्रिभुज के सिमिलर होगी, समरूप होगी, हमने देखा जो कोण ए है वो किसके बराबर है एफ के, तो जहां ए है वहां क्या आएगा एफ आएगा, बी जो है वो किसके बराबर है ई के, तो बी कहां है सेकंड नंबर पे है, तो ई कहां पे आएगा सेकंड नंबर पे, सी जो कोण है वो किसके बराबर है डी के, तो सी थर्ड नंबर पे है, तो इसके साथ क्या आएगा डी, यानी कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो समरूप होगी त्रिभुज एफ ई डी के, समझ आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समरूप जब आप देखोगे तो संगत कोण जो बराबर है वैसे ही उसी सीक्वेंस में आप त्रिभुज को लिखोगे। तो ये थी हमारी सेकंड कसौटी एंगल एंगल एंगल, कई बार हम इसको एंगल एंगल भी लिख देते हैं, यानी कि दो एंगल क्या हो, अगर दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर है, मान लिया ये दे रखे हैं कि बी कोण 80 डिग्री का है और सी कितने का है 40 डिग्री का, ऐसे ही ई 80 डिग्री का है और डी कितने का है 40 डिग्री का, तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है, अगर निकालेंगे तो ये 60 का आएगा और ये भी क्या आएगा 60 डिग्री का। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगर दो कोण दे रखे हैं तो भी त्रिभुज आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। तो ये थी हमारी सेकंड कसौटी एंगल 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 वाली। अब है हमारी तीसरी कसौटी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, तो भुजा भुजा में था तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में आ रही थी तो त्रिभुज समरूप, कोण 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 यानी कि अगर दो त्रिभुजों के कोण बराबर है आपस में संगत कोण तो त्रिभुज आपस में समरूप, कौन सी कसौटी से एंगल 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 से। अब क्या है तीसरी भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड कसौटी, हम अगर दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं, मान लिया हमने दो त्रिभुज ले गए ए बी सी पी क्या हो आर, ये एंगल मान लिया मैंने कितने डिग्री का है 50 डिग्री का, ये भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसी तरीके से अगर मान लिया ये कोण है 50 डिग्री का, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। अब अगर आप इस त्रिभुज में देखोगे कि जो कोण ए है वो किस कोण के बराबर है, कोण
पी के 50 डिग्री का। और अगर भुजा देखोगे ए बी किसके समान अनुपात में है, ये 2 है और ये कितनी है 4 है, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू क्या है 2/4 यानी कि 1/2। और जो ए सी बटा में पी आर करे अगर वो क्या है 4/8 यानी कि 1/2। तो दो भुजाएं समान अनुपात में और एक कोण बराबर है, अगर क्या है दो त्रिभुजों के एक कोण आपस में बराबर है और उस कोण को अपने अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है समान अनुपात में है, तो वो त्रिभुजें आपस में कैसी होंगी समरूप होंगी। हमने देखा एक कोण आपस में क्या है बराबर है और इस कोण ये कोण इन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है ना, ये दोनों भुजाएं देखी कि ये 2 है और ये कोण इन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है, तो इनका इसका और इसका हमने अनुपात देखा 1/2 आया, इसका और इसका अनुपात देखा 1/2 आया। तो इसका मतलब अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और उन कोणों को अपने अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं आपस में क्या है समान अनुपात में है, तो वो त्रिभुज क्या होगी दोनों त्रिभुजें क्या होंगी समरूप होंगी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी इसके समरूप हो जाएगी पी क्यू आर की। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी किसके त्रिभुज पी क्यू आर की। हमने देखा ए किसके बराबर था पी के, ए बी पी क्यू के, तो लिखने का सीक्वेंस वही है, समझ आया है। अगर मान लिया मैंने ये लिख दिया होता कि ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 4 और ये दे रखी है 8, तो क्या अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते बताओ। मैंने क्या कहा है अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और दो भुजाएं जो उस कोण को अपने अंतर्गत करती हैं, क्या ये कोण जो 50 डिग्री का है इस भुजा का तो हमें पता ही नहीं है और ये कोण तो इस और इस भुजा के बीच में बन रहा है, तो ये पता है कि ये समान अनुपात में है कि नहीं है, नहीं पता। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर की है फिर तो ये क्या है समरूप है, लेकिन अगर ये अब हम इस भुजा के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना कि ये इसके समान अनुपात में है, तो इसलिए क्या है अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो ये पूछा गया कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये समरूप नहीं है क्योंकि ये भुजा और ये भुजा इस भुजा और इस भुजा के क्या होनी चाहिए समान अनुपात में, यानी कि जहां पे एंगल बन रहा है जो साइड एंगल साइड कसौटी है वो कहती ही यही है कि एक कोण अगर दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और जो दो भुजाएं उस कोण को अंतर्गत करती हैं अपने बीच में जिनके दो भुजाओं के बीच में वो कोण बनता है, अगर वो दो भुजाएं उस दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समान अनुपात में है तो त्रिभुज क्या होंगी समरूप होंगी, अदरवाइज वो समरूप नहीं होंगी। तो समझ आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो ये थी हमारी तीसरी कसौटी भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड कसौटी। तो हमने तीनों कसौटियों के बारे में पढ़ लिया है, इन्हीं तीनों कसौटियों का यूज हमें क्या है एक्सरसाइज 6.3 में करना है, तो इन कसौटियों के बेस पे ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 की ओर। अब है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 6 लेके हम चले हैं, जो बाकी के दो पार्ट है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में दो त्रिभुज दे रखी हैं आपको ए बी सी पी क्यू आर, आपको ये बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? अगर ये समरूप हैं, तो कौन सी कसौटी से समरूप हैं? तो आपने देखा यहाँ एंगल्स दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखो कोण ए, कोण ए
कोण क्यू के कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। एंगल सी बराबर है एंगल आर के 40 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था तीनों कोण क्या है, अगर बराबर है तो त्रिभुज आपस में क्या होती है? समरूप होंगी। कौन सी कसौटी से होंगी? एंगल 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 यानी कि कोण 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 वाली कसौटी से। तो त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगी। त्रिभुज किसके? ए किसके बराबर है? पी के। तो ए है वहां पी, बी बराबर है क्यू के, तो बी है वहां क्यू, और सी बराबर है आर के, तो ए बी सी किसके समरूप होगी? पी क्यू आर के। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो समरूप है कौन सी कसौटी से? एंगल 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 कसौटी से। समझ आया होगा? कुछ भी नहीं है, अगर कसौटी आपको समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब हम कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। इसको साफ कर देते हुए सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। आपको एबीसी एक त्रिभुज दे रखी है जिसमें ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 2.5 सेंटीमीटर है, और ए सी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और एक त्रिभुज दे रखी है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी आर 5 है, और क्यू आर क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी भुजा किसके समान किसके समान अनुपात में है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि इनका अनुपात बराबर 1/2 आएगा। अगर 3 का और 6 का अनुपात देखे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। 2.5 का और 5 का देखेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमने देखा कि AB बटा में इस भुजा के अनुपात किसके साथ? क्यू आर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। BC का किसके साथ? पी आर के साथ। BC का पी आर के साथ 1/2 आ रहा है। और क्या बचेगा? AC। AC का किसके साथ अनुपात? पी क्यू के साथ क्या आ रहा है? 1/2। अगर हम देखें, हमने देखा कि तीनों भुजाओं का अनुपात तो क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज इसके क्या है? समरूप है। और कौन सी कसौटी से है? भुजाएं आपस में समान अनुपात में है तीनों, तो ये कौन सी कसौटी हुई? भुजा 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 यानी कि साइड 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 कसौटी से। कौन सी कसौटी से? साइड 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 कसौटी से। अब हमें इसको लिखना है कि कौन सी, अगर त्रिभुज ए बी सी, ये कौन सी थी? त्रिभुज ए बी सी समरूप है जिसके, जो ए बी है वो कौन सी उसके है? क्यू आर के। तो ए बी आर है वहां पे क्या आना चाहिए? क्यू, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज क्यू आर पी के। जो भुजा ए बी थी वो किसके समान अनुपात में थी? क्यू आर के। तो इसलिए क्या है? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगी? त्रिभुज क्यू आर पी के। आगे भी अगर देखोगे बी सी किसके थी? पी आर के। यहाँ सेकंड वन में पी आर देखोगे बी सी और पी आर का पेयर है। तो स्टार्टिंग वाले से हमें पता चल गया कि ए बी का जो है वो किसके अनुपात में है? क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसके समरूप है? त्रिभुज क्यू आर पी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ये किससे हुई? साइड 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 यानी भुजा 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 वाली कसौटी से। अब हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ हमें एक कोण दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है, एक भुजा 2.5 और एक 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्यू एंगल है 70 डिग्री का और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है। हमने देखा कि कोण जो है एम है वो कोण क्यू के बराबर है, कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। यानी कि एक कोण दे रखा है और दो भुजाएं। सबसे पहले तो यही देख लो आप, एक कोण है दो भुजाएं, कसौटी कौन सी बनेगी? अगर बनेगी तो साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड अगर कसौटी है तो हमें ये
के साथ, तो वो क्या आ रहा है, एक बटा दो आ रहा है। ऐसे एम एल का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हम क्यू आर के साथ देखें, वो क्या आ रहा है, एक बटा दो। यानी एक कोण भी बराबर है आपस में, एक एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के, और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं भी क्या है, समान अनुपात में है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। कौन सी कसौटी से, साइड एंगल साइड वाली कसौटी से। समझ आया है, क्योंकि एक कोण बराबर है और उस कोण को अपने अंतर्गत करने वाले दो भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। अब आपको लिखना है कि कौन से त्रिभुज किसके सीक्वेंस क्या होगी, यानी कि यहां अगर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एम एन एल लेके चल रहे हैं हम, तो वो किसके समरूप होगी, त्रिभुज जो कोण एम है वो किसके बराबर है, क्यू के। तो किसके, क्यू तो आ गया अपना, और आगे अगर आप देखना चाहो जो एम एन है वो किसके, पी क्यू के, यानी कि क्यू के बाद क्या आना चाहिए, पी। तो क्यू पी आर के ये समरूप हो जाएगी। एंगल हमने देखा कि एम जो एंगल है वो किसके बराबर है, क्यू के, तो एम जहां है वहां क्या आएगा, क्यू आएगा। अब अगर भुजा की बात करें तो एम एन जो है वो किसके साथ, किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू पी के, तो क्यू पी, एम एन है तो क्यू पी आना चाहिए। समझ आया, तो एम एन एल किसके समरूप होगी, क्यू पी आर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब है हमारा लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट। इसमें क्या है, डी ई एफ एक त्रिभुज दे रखी है, उसके कोण दे रखे हैं दो, डी 70 डिग्री का और ई 80 डिग्री का। पी क्यू आर एक त्रिभुज दे रखी है जिसमें कोण क्यू है 80 डिग्री का और आर है 30 डिग्री का। आपने देखा थी ये कोण तो बराबर नहीं है, एक तो बराबर है 80 डिग्री का लेकिन एक 70 का है, एक 30 का है। लेकिन अगर आप एक कोण और निकालोगे, ये 80 का ये 70 का, 80 जमा 70 कितने का हो गया, 150। दो कोण तीनों का योग 180 होता है, 180 में से 150 जाएगा तो ये कितने का बचेगा, 30 का बचेगा। समझ आया, ऐसे ही अगर इनका जोड़ करोगे तो ये क्या है 110, 180 में से 110 गए तो ये कितने का आएगा, 70 डिग्री का। अब देखो क्या ये त्रिभुज समरूप है, अब तो कहोगे हां जी मैडम तीनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगी इस तरीके से, एंगल 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 वाले तरीके से। और क्या सीक्वेंस होगी, त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप होगी, समरूप होगी डी पी के बराबर है, ई क्यू के बराबर है, एफ आर के बराबर है, तो सीक्वेंस क्या होगी, पी क्यू आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके हमने चार पार्ट किए हैं, बाकी के दो भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चन पार्ट थे, इसके सारे हमारे जो कसौटी हमने पढ़ी है तीन, उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर।